नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम गुडविल कॉमर्स है। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे चैनल पे कॉमर्स की स्पेशली हर एक प्रकार की वीडियोस अपलोड कराई जाती है और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वैसे सारे छात्र जो बी कॉम पार्ट वन में हैं और 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके अकाउंट्स ऑनर्स पेपर का जो सेकेंड पेपर जिसका नाम ऑडिटिंग है उसके सिलेबस को मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आपको ऑडिटिंग में कौन कौन से पेपर कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स का नाम है। तो जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है दोस्तों। वैसे सारे छात्र जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं और 2021 में बी कॉम पार्ट वन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऑडिटिंग के जो ऑडिटिंग जो आपका सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर टू उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना, आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बी कॉम पार्ट वन ऑनर्स कोर्स अकाउंट्स ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर टू है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर वन होता है आप देख सकते हैं ये पेपर टू है। आप इसको आप देखिए, मैं यहाँ घेर रहा हूँ इस तरीके से, ये पेपर टू है दोस्तों, पेपर टू ऑडिटिंग। ये 100 मार्क्स का होता है और बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। इस पेपर में आप मार्क्स अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी तो ये टेक्निकल पेपर है, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स भी उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, 10 क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड। जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस जो है आप पूछे जाएंगे, ये आप देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, 10 क्वेश्चंस शैल बी आस्क्ड। और आपका जो इसमें है ईच क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है बराबर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड शैल कंसिस्ट ऑफ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कंपलसरी है, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। आप देख सकते हैं, मैं इसको फिर से आपको अंडरलाइन कर दूँ, यहाँ देखिए कंसिस्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसमें 10 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और मतलब इसको बनाना कंपलसरी है। द रेस्ट क्वेश्चन विल, जो बाकी 9 क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चन है बी ऑफ सब्जेक्टिव टाइप विच में इंक्लूड लॉन्ग क्वेश्चंस, विच में इंक्लूड्स लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब आप समझ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला है और बाकी जो है आपका रिमेनिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें लंबे आंसर्स आपको लिखने होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स आपको लिखने होंगे और कुछ शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट्स दोनों होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स भी सब्जेक्टिव वाला ही होगा, ये कोई मल्टीपल नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला होगा, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट नोट्स भी शामिल होगा। तो आइए देखते हैं यूनिट वन। आपको मैं बता दूं कि टोटल जो है ऑडिटिंग के सिलेबस को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं यूनिट वाइज करके देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स एंड टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट वन जो आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको पढ़ना है ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग। देखिएगा यूनिट वन इंट्रोडक्शन जो है ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग, मीनिंग डेफिनेशन स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बोल दूँ कि जो इंट्रोडक्शन है इसमें आपको पढ़ना है ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग, साथ ही साथ मीनिंग डेफिनेशन स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वन का है। यूनिट टू में आते हैं दोस्तों, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन यूनिट टू है, इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल कॉमा टेक्निक्स कॉमा प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रोड्यूस एंड प्रोसीजर सॉरी प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। तो फिर से देखिए यूनिट टू जो है इसमें टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना चैप्टर पढ़ना है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल टेक्निक्स प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं आगे आपको कौन सा यूनिट, ये यूनिट थर्ड है, इसमें क्या पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कन्फर्म आता है दोस्तों। मैं बता दूँ आपको, यूनिट थर्ड में सबसे पहला टॉपिक है आपका वाउचिंग, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ये आपका जो है हेडिंग वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है आपको वाउचिंग, फिर पढ़ना
वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, फिर आपको पढ़ना है डेप्रिसिएशन, फिर पढ़ना है रिजर्व, फिर पढ़ना है आपको रिजर्व एंड प्रोविजन्स, फिर आपको पढ़ना है डिविजुअल प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। ये आपका जो यूनिट थर्ड है इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने। अब आते हैं यूनिट फोर में। दोस्तों ये कंपनी ऑडिट से जुड़ा हुआ यूनिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूनिट फोर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अपॉइंटमेंट कॉमा रेमुनरेशन क्वालिफिकेशन पावर एंड ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट्स भी आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट फाइव की बात करें, ये इस यूनिट का नाम है ऑडिट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ भी जो है इस यूनिट से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आपका है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फाइव में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आपका ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनीज एंड अदर बिजनेसेस, आगे क्या है हॉस्पिटल क्लब होटल्स एंड ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग पढ़ना है। रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में क्या है आपका, ऑडिटिंग ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, ऑडिटिंग ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग, ऑडिट कमिटीज़ एंड सोशल ऑडिट, ये आपका जो है रिसेंट ट्रेंड है ऑडिटिंग का, ये नया स्वरूप आया है, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, जो लास्ट का जो ऑडिट ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग और ऑडिट ऑफ कमिटीज़ एंड सोशल ऑडिट, यहाँ से टॉपिक आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, फिर भी आप एक बार देख ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज जो आपका जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने बताया कि ऑडिटिंग बीकॉम पार्ट वन में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑडिटिंग पेपर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ हमारे चैनल गुडविल कॉमर्स पे लगातार जो है मतलब बनाए जाते हैं और आपके लिए जो है हम लोग उसको अपलोड करते हैं। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ दोस्तों। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आगे कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।